जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल तो होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल, ऑल इज वेल। माई डियर चिल्ड्रन, मुझे थ्री इडियट मूवी बहुत अच्छी लगती है। उसमें लाइफ की इतनी अच्छी फिलॉसफी बताई है कि आप मार्क्स के पीछे मत भागो, आप एजुकेशन एक्वायर करो, आप नॉलेज एक्वायर करो, और फिर मार्क्स अपने आप आपके पीछे पीछे आएंगे और कहेंगे लीजिए हम हैं आपके। माई डियर फ्रेंड्स, आई एम योर फ्रेंड मोनिका मेहता और लेकर आई हूँ आपका फेवरेट वाला प्रोग्राम डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल पे। चलिए एंजॉय करते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। माय डियर चिल्ड्रन, इंडिया का एक स्टेपल फूड है राइस, चावल। जी हाँ, हर कोई खाना पसंद करता है। वीकेंड है, कुछ और नहीं है, चलिए सारी सब्जियां डालकर पुलाव बना लेते हैं, फ्राइड राइस बना लेते हैं। तो चावल हर किसी को पसंद आता है। चावल कैसे बनाते हैं? पानी डालकर गैस पर स्टीम में रखकर हम चावल बनाते हैं। अगर आपको पता है, असम में एक चावल मिलता है, बोका राइस। वो मैजिकल राइस भी उसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बोका राइस को स्टीम नहीं करना पड़ता, आग पे नहीं रखना पड़ता। आप सिंपल चावल लो, उसको धो लो, थोड़ा सा पानी डालो, अपने आप वो चावल बन जाएंगे। आपको पता है, एक टाइम पे इंडियन आर्मी बोका राइस को अपने पास रखती थी ताकि कल को वो बॉर्डर पे जाती हैं, किसी ऐसे रिमोट एरिया में जाते हैं जहाँ खाने पीने का कोई सामान नहीं होगा, तो बोका राइस को वो खा सकते हैं, अपना पेट भर सकते हैं और शक्ति हासिल करके दुश्मनों की टिशम टिशम कर सकते हैं। तो पता चला, मैजिकल राइस है बोका राइस, जो कि इंडिया के असम में पाए जाते हैं। All is well. जी हाँ, थ्री इडियट मूवी की बात करते हैं। रेंचो ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि सर, स्पेस में अगर पेन नहीं चला सकते तो पेंसिल क्यों नहीं यूज करते? ये इतना हजारों करोड़ों डॉलर्स खर्च के हमने ये पेन क्यों बनाया है, मैजिकल पेन। वैसे आपको बता दूं, उस मैजिकल पेन का नाम है द फिशर स्पेस पेन। और वो पेन क्यों बनाया गया है? वो इसलिए बनाया गया है कि जो नॉर्मल पेन है वो ग्रेविटी की वजह से उसका जो इंक है वो नीचे आ जाता है। पेंसिल अगर हम यूज़ करते हैं तो उसका सिक्का टूट जाता है, जो वो ग्रेफाइट है वो हमारी आंखों में लग सकता है। मगर जो स्पेशल करोड़ों डॉलर खर्च के जो पेन बनाया गया है, उसकी इंक ऐसी है कि अगर आप पानी में भी चलाओगे अंडर वाटर वो तो भी लिखेगा, अगर आप 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी चला रहे हो तो भी वो लिखेगा, इसलिए वो वाला पेन यूज़ किया जाता है। अब रेंचो के क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया ना, दैट्स गुड। माय डियर चिल्ड्रन, हम देखते हैं कि हमारे घर में सुबह सुबह न्यूज़पेपर आता है तो उसमें बहुत सारे जो पैम्फलेट्स होते हैं, हम तंग आ जाते हैं, अरे ये क्या इसमें डाल दिया है। मगर ये भी पब्लिसिटी का एक ज़रिया है, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। किसी को किसी कोचिंग सेंटर के बारे में पता करना है, किसी को किसी ईटिंग जॉइंट के बारे में पता चलना है, तो ये जो पैम्फलेट्स है ये बहुत हेल्पफुल है। एक बात बताऊं, कई बार हम मॉल्स में जाते हैं या थिएटर जाते हैं तो वहाँ पर लोग पैम्फलेट्स लेके खड़े होते हैं, वो हमें पकड़ाते हैं और हम लेके ऐसे तोड़ मरोड़ कर वहीं फेंक देते हैं। वेरी बैड। जो बंदा धूप में खड़ा है, पसीना बहा रहा है, अगर आपने नहीं लेना, आपकी यूज़ का नहीं है, आप उसको बोलो सॉरी भैया मेरे को नहीं चाहिए। मगर आपने अगर पकड़ ही लिया है तो चुपचाप अपने बैग में या पॉकेट में डाल लो, घर आके आप उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। मगर उसके सामने ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी ने कोई आपको चीज़ खिलाई है, आपने किसी ईटिंग जॉइंट से कुछ खाया तो छी छी क्या टेस्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है उस बंदे को टेस्ट ठीक लगा हो, आपको अच्छा ना लगा हो। कई लोग तरसते हैं वो खाना खाने के लिए, तो अगर आप खा रही हैं नहीं पसंद कोई बात नहीं, उसको बोलो भैया ये नमक तेज़ है या मिर्ची तेज़ है, आगे से ध्यान रखना, मगर खाने को छी छी कभी नहीं बोलना। डियर चिल्ड्रन, आपको साइंस के, मैथ्स के, एसएसटी के प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं और उन प्रोजेक्ट्स के मार्क्स लगाए जाते हैं आपके फाइनल एग्जाम्स में। ऐसे ही फिलीपींस में क्या होता है कि आपको आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री तभी मिलेगी जब आपने अच्छी पढ़ाई करके अच्छे नंबर तो हासिल किए हैं, मगर आपका जो एक यूनिवर्सल ओवर प्रोजेक्ट देते हैं सारे फिलीपींस स्टूडेंट को, दैट इज़ यू हैव टू ग्रो 10 ट्रीज। आप 10 ट्रीज लगाओगे, वो थोड़े बड़े हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ हो जाएगी, आप उनके पिक्स क्लिक करेंगे, उसका एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाएंगे कि जब मैंने लगाया था दिस मच द प्लांट वॉज, अब इतने दिनों के बाद प्लांट की ये ग्रोथ हो गई है, और वो प्रोजेक्ट सबमिट करने के बाद ही आपको डिग्री मिलेगी आपकी ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन की। मेरे को लगता है ये वाला जो रूल है ना, ये पूरी दुनिया में होना चाहिए, फिर तो ग्लोबल वार्मिंग यकीनन ख़त्म हो जाएगी।
कैसा लग रहा है? मेरे को ये ऐसा लग रहा है कि एक छोटा सा ये एक ना बौना है, ड्वर्फ है, ड्वर्फ, फिर ऊपर जाके उसका हेड है, उसने हेलमेट पहनी है बड़ी अच्छी सी कैप, फिर उसने दो आर्म्स है वो ऊपर की हुई है, और देखो फिर उसने पूरी दुनिया को कैसे ग्लोब को अपने ऊपर उठाया हुआ है। सो ये डिपिक्शन है इस ट्री की। अगर आपको एक बात बताऊं, इटली में एक ट्री है जिसको वाकई ही थिंकिंग ट्री कहा जाता है। मैं आपको अभी उसकी फ़ोटो दिखाई है, वो ऐसे लगता है जैसे कोई आदमी सोच रहा है। ट्री भी ऐसे सोच सकते हैं। मैं कल आपको बताया था कि जब हम प्लांट्स को काटते हैं, उनके जो लीव्स हैं उनको तोड़ते हैं, उनके फ्रूट्स तोड़ते हैं, तो उनको भी दुख होता है। अल्ट्रासोनिक रेस से हमें ये बात पता चली है। मगर जो ट्रीज हैं, थिंकिंग ट्री है, वो इटली में पाया जाता है, और वो देखने में वाकई लगता है कि ट्री कुछ सोच रहा है। वैसे ट्री क्या सोच रहा होगा? अगर तो इंसान मुझे लगाते रहेंगे तो फल और ऑक्सीजन पाते रहेंगे, अगर मुझे काटते जाएंगे तो सांस कैसे ले पाएंगे, यही सोचता है ना ट्री। तो चलिए लगाते हैं बहुत सारे ट्रीज अपने बर्थडे पे और बहुत सारी एनिवर्सरीज पे। मेरे पास आया है छोटा सा एक बेबी जिसका नाम है आरव। आरव कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट क्लास में। मतलब अगर कोई पूछे आप कैसे हो, फर्स्ट क्लास। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट क्लास। दोनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर। अच्छा, ये टॉफी किसने दी है? प्रिंसिपल मैम ने। ये मैं ले लूं? अच्छा आरव, आप ये जो भैया ना ये अभी वीडियो बना रहे हैं और ये डिप्स ब्रॉडकास्टिंग में आएगा, टेल मी कि आप डिप्स ब्रॉडकास्टिंग के एपिसोड देखते हो? अच्छा क्या क्या देखते हो, उसमें क्या क्या होता है? हाँ, और क्या होता है? हाँ हाँ, आपको मोनिका मैम कैसे लगते हैं? तब मैम मैं अच्छी हूँ, वो देख के वहाँ देख के बताओ कैसी लगती हूँ? अच्छा, क्या अच्छा लगता है? अच्छा चलो। अच्छा ये कौन है? दीदी है साथ में, दीदी को भी बुलाते हैं। हेलो, प्लीज कम, व्हाट्स योर नेम? रितिका। वहाँ देख के बताओ, ये जो आरव है ये डिप्स ब्रॉडकास्टिंग के प्रोग्राम्स देखता है? ओके, सारे एपिसोड्स देखते हैं? ओह दैट्स गुड, दैट्स गुड, थैंक यू आरव, थैंक यू बेटा। चलिए जी, ये हमारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कि हमें इतनी प्यारी बातें बताकर हमारा वीकेंड बना दिया सुपर डुपर कूल। तो चलिए आपको एक बात बताती हूँ कि वीकेंड पे हमें नानी और दादी की याद क्यों आती है। क्योंकि वीकेंड पे हमारा मन करता है हम थोड़े रिलैक्स हो जाएं, और जब हम रिलैक्स होते हैं तो हमारा दिल कहता है नानी या दादी हमें अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाएं, या अपने हाथ का कुछ बड़ा अच्छा खाना खिलाएं, है ना? आपको पता है जब हम नानी के घर से आते हैं, दादी के घर से आते हैं, तो वो चुपके से हमारे हाथ पे पैसे रख देते हैं कि मम्मी को नहीं बताना ये मैंने आपको दिया है, और हम वो पैसे मम्मी पापा को दे देते हैं कि हमारी गुल्लक में डाल दो। तो जब मम्मा पापा हमारे पास ऊपर इतना खर्च कर देते हैं, मगर फिर भी हमें वो नानी दादी के पैसे याद रहते हैं, हम कहते हैं लाओ मेरे पैसे, लाओ मेरे पैसे, है ना? हम ऐसे ही करते हैं ना, बचपन में मैं भी ऐसे करती थी। चलिए आप ये छोटे छोटे मोमेंट्स ऐसे अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, वीकेंड आपका बहुत हैप्पी हैप्पी हो, अच्छा अच्छा खाना खाइए, खूब सारी एक्सरसाइज कीजिए, खूब सारी रेस्ट कीजिए, और नेक्स्ट वीक के लिए हो जाइए रेडी। टेक केयर ऑफ योर गुड सेल्फ। मॉनिका लव यू ऑल।